ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के संग में। फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर हॉस्टेस में नया बैच शुरू हो गया है। नए सत्र के शुभारंभ पर केक काटा गया। इस अवसर पर फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट हमीरपुर के एमडी अनमोल हांडा ने सभी छात्राओं को और छात्रों को नए सत्र में संस्थान पहुंचने की बधाई दी। वहीं फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में अगले बैच के लिए भी एडमिशन शुरू हो चुकी है। फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर हॉस्टेस हमीरपुर में छात्राओं की ट्रेनिंग का नया सत्र शुरू हो गया है। नए सत्र का आरंभ केक काटकर किया गया। नए सत्र में संस्थान पहुंचे छात्रों को इंस्टीट्यूट के एमडी अनमोल हांडा ने बहुत बहुत बधाई दी है। उन्होंने बताया कि कोचिंग लेने के बाद छात्रों को विमान, आतिथ्य, यात्रा प्रबंधन, ग्राहक सेवा और हवाई अड्डे के ग्राउंड स्टाफ की बेहतरीन सेवाएं प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उन्होंने बताया कि कोर्स के पूरा होने पर नामी एयरवेज कंपनियां छात्रों को अच्छा पैकेज देती हैं। आपको बता दें कि फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस हमीरपुर में आगामी बैच के लिए भी एडमिशन का दौर जारी है। अगर आप भी फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, हमीरपुर। हमीरपुर के बड़ू में स्थित पॉलिटेक्निकल कॉलेज में चल रही फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के पहले दिन ही 265 लड़के और लड़कियां शारीरिक परीक्षा से बाहर हो गए। केवल 44 युवा ही ग्राउंड टेस्ट क्लियर कर पाए हैं। हमीरपुर में फॉरेस्ट गार्ड के 15 पदों को भरने के लिए इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जा रहा है। बहुतकनीकी कॉलेज में इन दिनों फॉरेस्ट गार्ड के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमीरपुर में भरे जा रहे 15 पदों के लिए शारीरिक परीक्षण के लिए 700 लड़के व लड़कियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से सिर्फ 309 युवाओं ने मैदान परीक्षण में भाग लिया। भर्ती प्रक्रिया में फिट युवा ही अंतिम पड़ाव की बाधा को पार करने में सफल हो रहे हैं। शारीरिक परीक्षण के दौरान युवाओं को हाइट, वेट, चेस्ट, लॉन्ग जंप सहित 800 मीटर की बाधा पार करनी पड़ती है। जो युवा सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं उन्हें अब लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। फॉरेस्ट गार्ड की लिखित परीक्षा 13 अगस्त को आयोजित की जाएगी। फॉरेस्ट विभाग के अरण्यपाल अनिल जोशी का कहना है कि शारीरिक परीक्षण में सिर्फ 44 युवा ही पास हो पाए हैं, जबकि 265 युवाओं को बाहर होना पड़ा है। हमीरपुर वन सर्कल में टोटल 15 सीट्स के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है और जो कैंडिडेट्स है वो डिफरेंट प्रक्रिया से उनको क्रॉस करनी होगी। स्कूटनी है, हमारी 100 मीटर रेस है, 400, 800 लड़कियों के लिए है, हाई जंप, लॉन्ग जंप और उनके फिजिकल मीटर। तो इसके आधार पर इनको ये सारी हर्डल्स क्रॉस करनी होगी और जो आज के पूरे दिन में जो फाइनलिस्ट होंगे उन्हें हम कॉल करेंगे रिटर्न टेस्ट करेंगे, जो कि 13 अगस्त को रिटर्न टेस्ट किया जाएगा और उसके उपरांत जो इवेल्युएशन वाला एक पार्ट है पूरी प्रक्रिया का, उसको भी इसके साथ सम्मिलित करके उसके मार्क्स के लिए हम फाइनल रिजल्ट के लिए। आपको बता दें कि शारीरिक परीक्षा 5 अगस्त तक चलेगी, उसके बाद 13 अगस्त को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, हमीरपुर। 5 नवंबर को होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए छात्र 1 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त घोषित की गई है, जबकि छात्र प्रवेश की फीस 31 अगस्त को जमा करवाई जा सकती है। 5 नवंबर को होने वाली नेट की परीक्षा के लिए आवेदन छात्र तय अधिसूचना के आधार पर 1 अगस्त से कर सकेंगे। सीबीएसई की वेबसाइट पर जहां छात्रों को प्रवेश फॉर्म भरने की सुविधा मिलेगी, तो वहीं परीक्षा को लेकर सारी अधिसूचना भी छात्र वहीं से प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए सीबीएसई की ओर से 30 अगस्त अंतिम तिथि घोषित की गई है। इस तिथि के बाद एक दिन का अतिरिक्त समय यानी 31 अगस्त तक का समय छात्रों को प्रवेश की फीस जमा करवाने के लिए मिलेगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को प्रवेश फॉर्म में गलतियों को सुधारने का विकल्प भी मिलेगा।
यूजीसी ने नीट और जेईई के आधार पर यह सुविधा छात्रों को यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए भी दी है। नेट के लिए सीबीएसई की ओर से 2 जगह परीक्षा के जिला केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये परीक्षा केंद्र शिमला और धर्मशाला में बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि आयोग की ओर से परीक्षा की पास प्रतिशतता 15% से बदलकर 6% कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। प्रदेश में 31 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान मौसम कई क्षेत्रों में कड़े तेवर भी दिखा सकता है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में 28 और 29 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग के अनुसार 28 जुलाई को राज्य के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होगी, जबकि विभाग ने 29 जुलाई को पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य में 31 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों के दौरान जोगिंदरनगर में सबसे अधिक 53.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा धर्मशाला में 46.0, पालमपुर सराहन में 36.0, गोहर में 24.0, करसोग में 22.0, मशोबरा व जुब्बलहट्टी में 15.0, मनाली में 14.0, अर्की जंजैहली में 11.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश से शिमला, कल्पा व नाहन के अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री तक की गिरावट आई है, जबकि सुंदरनगर, भुंतर, धर्मशाला, ऊना, कांगड़ा के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में 31 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। 28 जुलाई को मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, 29 जुलाई को पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। पूरे देश में 26 जुलाई का दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उन वीरों को याद किया जाता है जिनकी बदौलत हम चैन की नींद सोते हैं। तो आइए बुलेटिन के अंत में आपको मिलाते हैं मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर से। इन्होंने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। रिटायर ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर आज भी कारगिल युद्ध की यादों को नहीं भूल पाए हैं। आइए सुनते हैं युद्ध की कुछ दास्तां ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर के सौजन्य से। कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया। ये कहानी एक तरफ एक बहुत बड़े धोखे, साजिश और विश्वासघात की है पाकिस्तानी की तरफ से, दूसरी तरफ से हिंदुस्तान के वीर योद्धाओं की, रणबांकरों की, बलिदान के, त्याग की और उनके शौर्य की कहानी है। इस युद्ध में हमारे 527 वीर योद्धा शहीद हुए, 1367 से ज्यादा रणबांकुरे घायल हुए, और जब दुश्मन ने तकरीबन 150 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पे धोखे के साथ कब्जा किया था, और जिस बहादुरी के साथ, जिस जोश के साथ देश की आन बान और शान के लिए हमारे बहादुरों ने कुर्बानी दी है, वो काबिले तारीफ है। और मुझे भी इस लड़ाई में हिस्सा लेने का मौका मिला। मेरी जो यूनिट थी 18 ग्रेनेडियर्स, जिसने टाइगर हिल और तोलोलिंग, जिनका की एक अपना सामरिक महत्व था, उन चोटियों पे विजय प्राप्त की, और इन चोटियों पे विजय प्राप्त करने के बाद दुश्मन के ऊपर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और दूसरे तरफ हमारे जवानों का हौसला बुलंद हुआ। और इस लड़ाई में जो उन्होंने ले से लेके कारगिल तक जो रोड बाधा पहुंचाई थी उसको हटाया गया, और आखिर में पूरी लड़ाई में विजय पताका जो है फहराई गई थी। मैं 18 ग्रेनेडियर्स का कमान अधिकारी था और उस टाइम कश्मीर में लड़ाई लड़ रहा था। अचानक जब लड़ाई हुई और मैं सबसे नजदीक था, मुझे वहां पे लाया गया, और सबसे पहले जो तोलोलिंग की पहाड़ी थी, जो सबसे मुश्किल पहाड़ी थी, वो उस पे हमला करने की जिम्मेवारी मुझे दी गई। और इस लड़ाई में मेरे 25 जवान शहीद हुए। कर्नल विश्वनाथन, जो मेरे सेकंड इन कमांड थे, वो शहीद हुए। मेरे कंपनी कमांडर मेजर राजेश अधिकारी जो थे वो शहीद हुए, और इसके विजय के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी। और उसके उपरांत जो टाइगर हिल
था जिसका नाम आप सब ने सुना है, और पाकिस्तान ने हमेशा ये दावेदारी कहता था कि इस पे कभी भी हिंदुस्तान विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उस चोटी को भी मैंने फतेह किया है। जैसे मैंने कहा कि विजय प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैंने भी 34 रणबांकुरों को, जो मेरे परिवार के सदस्य थे, मेरे यूनिट में 900 जवान थे, उनको खोया है। और आज भी मुझे उन सब की याद जो है वो बिल्कुल आती है, खास करके जब अभी विजय दिवस को मनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी सौभाग्य और खुशी है कि भारत के महामहिम द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मेरी यूनिट को 52 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें एक परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 18 सेना मेडल और दूसरे गुण, और इसी के साथ साथ कारगिल थिएटर ऑनर, टाइगर हिल बैटल ऑनर, तोलोलिंग बैटल ऑनर, यूनिट साइटेशन से मेरी यूनिट को सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत अवार्ड जो है, मुझे 3 जो अवार्ड जो मिल सके हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण लड़ाई हुई है, कारगिल युद्ध के दौरान युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, जब मैं श्रीलंका में IPKF के तौर पे वहां गया था तो वहां पर JUCNC कमेंडेशन कार्ड, और जो ऑपरेशन खुखरी मैंने सिरा लियोन में वेस्ट अफ्रीका में किया था उसके लिए मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से अवार्ड प्रदान किया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों को जानने के लिए और कल्चरल और तरीके के हिमाचल के कार्यक्रमों को देखने के लिए पोलस्टार TV के साथ बने रहिए। आप हमारा चैनल YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं, साथ ही हमें लाइक कीजिए Facebook पर।